रस्ते बांधणी उत्पादने तयार करणाऱ्या डायनापॅक इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या अत्याधुनिक प्लॅन्टचं उद्घाटन फयात ग्रुपच्या अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉक क्लाउद फयात यांच्या हस्ते पुण्यात करण्यात आलंय. डायनापॅकने 2008 सालापासून भारतात सॉइल कॉम्पॅक्टर्सचे उत्पादन सुरू केले. भारतातील निर्यात बाजारपेठांना सहाय्य म्हणून अस्फाल्ट रोलर्सचे उत्पादन सुरू केले. भारतातील 10 वर्षाच्या उत्पादनाच्या अनुभवासह आता कंपनीने पुण्यातील पुलगाव येथे प्लांट सुरू केला आहे. ह्या कंपनीचे उत्पादन क्षमता अधिक असल्याने ह्या समूहाचे भारतातील स्थान अधिक भक्कम होणार आहे. डायनापॅकने उचललेल्या ह्या पावलामुळे त्यांच्या व्यापक ग्राहक वर्गाला नवीन तंत्रज्ञानाचे बळ प्राप्त होणार आहे. ह्या बळावर भारतातील रस्ते बांधणी बाजारपेठांच्या स्पर्धांना तोंड देणे शक्य होणार असल्याची माहिती डायनापॅक इंडिया बोर्डचे चेअरमन अभिजित सोम यांनी दिली आहे. मार्केट ग्लोबली और इंडिया का जो डायनापैक कंपनी है उसका मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चेयरमैन हूँ. डायनापैक इंडिया जो कंपनी इंडिया में 10 साल से ऑलरेडी रोलर बना रही है, कल हम लोगों ने नया प्लांट का उद्घाटन किया. ये प्लांट पुणे के फुलगांव एरिया में है. इस प्लांट का बनाने का मकसद है डायनापैक रोलर के बिजनेस में और ज़्यादा जल्दी ग्रो करना चाहती है. और हमारे ऑलरेडी जो कस्टमर्स हैं इंडिया में, मिडल ईस्ट में, अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में, वहाँ पे काफ़ी अच्छा डायनापैक रोलर्स का प्रदर्शन रहा है. और उसके बाद अभी डायनापैक ने एक्स्ट्रा कैपेसिटी बनाया और ये जो नया प्लांट है उसमें से हमने अभी एक नया रोलर जो है लॉन्च किया, जो अगले साल इस साल के बाउमा में हमें प्रदर्शन करना है. तो इस प्लांट के साथ फायर ग्रुप इंडिया का जो कैपेसिटी है 30-40% ऊपर उत्पादन कर सकती है. डायनापैक 2017 से फायर ग्रुप के अंदर आई. फायर ग्रुप के आने के बाद डायनापैक में काफ़ी फोकस हुआ है रोड कंस्ट्रक्शन और आसफाल्ट बिजनेस के ऊपर. और इसके साथ डायनापैक आसफाल्ट में भी नए नए प्रोडक्ट्स लाने की होड़ में जुटी हुई है. आई थिंक हमारे साथ 2019-20 में हम इंडिया के मार्केट में काफ़ी अच्छे आसफाल्ट पेवर्स, आसफाल्ट रोलर्स और न्यूमेटिक टायर रोलर्स लाएंगे और कंपनियों को और सुविधा देंगे.